एसपी क्राइम इंदु प्रभात सिंह ने साइबर क्राइम पर कहा कि साइबर क्राइम से बचाव के लिए आईटीएमएस के द्वारा महानगर में लगे विभिन्न चौराहों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा हर बुधवार को जनपद में साइबर थाना द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जो कि स्कूल व कॉलेज में जाकर जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने गोरखपुर में के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जब से एंड्रॉयड फोन लोगों के पास आया है, तब से साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए मोबाइल पर आए किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। आपके पास कोई फोन आता है और कहता है कि आपके सर्विस को कंटिन्यू कर दिया जाएगा, इसलिए अपना लिंक पर क्लिक करें तो आप संबंधित विभाग या बैंक पर जाकर संपर्क करें, ना कि लिंक पर क्लिक करें। यदि आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट का डाटा हैकर के पास चला जाता है, जिससे आपके पैसों की चोरी हो जाती है। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति आपको फ़ोन करके डाउनलोड करने के लिए कहता है तो आप कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें, क्योंकि फ़ोन करने वाला कहता है कि आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके अकाउंट से ही पैसा कट जाएगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट पर पासवर्ड स्ट्रांग रखिए और कोई भी आए OTP किसी को ना बताएं और कोई भी अनजान व्यक्ति को फ्रेंड रिक्वेस्ट ना करें, जो कि आपके जान पहचान के व्यक्ति हैं उनका ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। इसलिए आप लोग सुरक्षित व सजग रहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP क्राइम इंदु प्रभात सिंह ने कहा, साइबर क्राइम से बचाव के लिए एक तो उन्होंने एक ऑडियो भी जारी किया हुआ है जो हमारे ITMS सिस्टम पर चलता है। उसके अलावा एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमारी जो साइबर थाना टीम है उसके द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। इसमें एक टीम जो है स्कूलों कॉलेजों में जाकर के लगातार अवेयरनेस फैलाने का काम कर रही है। साथ ही मैं जो जनता है हमारे गोरखपुर जनपद की, उससे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब से ये मोबाइल हम लोगों के हाथ में आया है, तब से जो साइबर अपराध है, इंटरनेट की दुनिया है उसमें जो साइबर अपराध है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और उसमें जो इंडिविजुअल हैं उनको ही सावधान रहने की आवश्यकता है। बार बार उनसे अपील की जाती है हमारी तरफ से भी और भारत सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। मैं गोरखपुर की जनता से अपील करना चाहूँगी, किसी भी अवांछित लिंक पर क्लिक ना करें। यदि कोई आपसे ये फ़ोन आता है कि आपकी कोई सर्विस डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी तो आप संबंधित विभाग से संपर्क करें। लोन लेना है तो आप संबंधित बैंक से संपर्क करें। किसी के कहने पर कोई आप ऐप, जैसे एनीडेक्स ऐप है, क्विक सपोर्ट ऐप है, मिंगल व्यू ऐप है, ये सारे ऐप्स आप डाउनलोड ना करें। कोई अगर आपको फ़ोन करके ये कहता है कि आप इस लिंक पर क्लिक करें आपके अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे, तो आप ये श्योर रहिए कि आपके अकाउंट से ही पैसे कटने हैं, तो कृपया किसी के कहने पर किसी लिंक को आप क्लिक ना करें। यदि आप किसी सर्विस प्रोवाइडर के कस्टमर केयर नंबर को आप सर्च कर रहे हैं तो आप उसकी जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उस पर जाकर ही उसको सर्च करिए। जो आप गूगल पर सर्च करते हैं तो कभी कभी वो नंबर स्पैम भी हो सकते हैं और आप ठगे जा सकते हैं। इसके साथ ही जैसे आप जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर आप पासवर्ड अपना स्ट्रॉन्ग रखिए और अपना 2-स्टेप वेरिफिकेशन भी आप ऑन रखिए। उसको जो आपके जान पहचान के लोग हैं उन्हें ही फ्रेंडशिप करिए, उनकी ही फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट करिए। अनजान लोगों से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट मत एक्सेप्ट करिए उनकी, और ना ही अनजान लोगों से आप वीडियो कॉल करें, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस में लोग सेक्सटॉर्शन के शिकार हुए हैं। तो और अपना जो आप क्रेडिट कार्ड हैं, डेबिट कार्ड हैं, उनके CVV नंबर, उसके OTP आप किसी से भी कतई शेयर ना करें। ये सब सावधानियां आप बरतें और सुरक्षित रहें, सजग रहें।